एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज जो मेरे घर में राजस्थानी जो कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसको दरबार भी, झरोका भी, जन क्या क्या बोलते हैं वो एक एक करके आपको दिखाऊंगी। और ये है मेरी लक्ष्मी माता, और आपको उसका भी डिटेल भी बताऊंगी मैं कैसे लाई, कैसे करा। बहुत मेहनत थी, ट्रेड फेयर से लाती थी, बच्चों को लेके जाती थी ट्रेड फेयर में, और भारी भारी वजन के जो उठते भी नहीं थे वो लेके आते थे, क्योंकि शौक था मेरे को। अब तो नहीं लाती क्योंकि बहुत हो चुका है, अब नहीं चाहिए। आपको मैं दिखाऊंगी जितना मैं दिखा सकती हूँ या इसमें आज की वीडियो में मैं कवर कर सकती हूँ वो दिखाती हूँ। और जो भी कोई न्यू आ रहे हैं ना मेरे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। ये देखिए, ये हैं लक्ष्मी माता, और इसके आसपास इस तरह के ये कैंडल स्टैंड हैं। और ये हम ट्रेड फेयर से लेके आए थे, जो साउथ के लोग होते हैं ना वो वहाँ स्टॉल वगैरह लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े लगाते हैं, तो वहाँ से हम ये लेके आए थे। और ये है ये झरोका, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है गाइस, आप भी बताना कैसा लग रहा है। और जो ये रखा है ना वो ये डी है, इसको डी बोलते हैं, ये भी राजस्थानी लुक में ही है। देखना कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें मतलब है तो नहीं कुछ ज़्यादा, एक छोटी सी ड्रॉअर भी बनी हुई है। और गाइस इसके नीचे है ये चौकी, चौकी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना। और ये बैठने का है, इसको तो मैंने जैसे ये डी के ऊपर ही रखा हुआ है, तो ये डी के ऊपर ही रखा हुआ है, डी ऊपर है, ये इसके नीचे है। जब जरूरत होती है जैसे किट्टी हुई, कीर्तन हुआ, या कोई जैसे पटरे पे बैठना है, करना है, तो उस पे फिर मैं निकाल लेती हूँ फिर इसको। और साथ में देखो ये छोटा सा है ये हाथी, चार मुंह का हाथी है, और इस पे ये पोट रखा हुआ। ये पोट भी गाइस हम ट्रेड फेयर से लेके आए थे, इसमें हमने मोर के पंख रखे हुए हैं। ये भी काफी हैवी है, तो इसको उठाना, और जैसे ये लक्ष्मी माता को उठाना ट्रेड फेयर से थोड़ा मुश्किल तो हो गया, पर बच्चों ने बहुत सपोर्ट करा। और गाइस ये देखिए, ये राधा कृष्ण है, ये भी हम ट्रेड फेयर से ही लेके आए थे। और जो घर भी है ना वो भी इसी तरीके का ही है, जो ये कुर्सियां हैं और जो ये सोफे हैं वो भी नक्काशी से हैं। गाइस देखिए ये बैंड बाजे वाले हैं, और कई तरह के, कोई ढोलक बजाता है, कोई पीपनी बजाता है, तो मेरे पास तो ये जो खड़ताल सी जो होती है ना, ये घंटी सी बजाते हैं, वो वाला है मेरे पास में। तो इसको मेरे पास हो गए हैं 8-9 साल हो गए हैं, बस हम इस पे पॉलिश ही करवा देते हैं। देखना ये भी हम ट्रेड फेयर से लेके आए थे, बोलो गणपति महाराज की जय। और गाइस देखिए ये स्टूल, ये मतलब इसके नीचे भी एक और है हाथी सा छोटा सा, मुझे बहुत शौक है गाइस, बहुत ज्यादा। अब तो मैं खरीदती नहीं हूँ, अब देखना जरा इसके, ये इसे चारों तरफ इस तरह के ऐसे लगे हुए हैं। इसमें जब हमारे ससुर देते वो कहते थे पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान लाती रहती है अंजना, तो वो भी घर को भर देती है। और गाइस देखिए ये दरबान है, और ये भी हम शायद किसी मॉल में से लेके आए थे, और ये बहुत सुंदर है, काफी इसकी हाइट है, काफी बड़ा है ये, और इसकी जो है ना ये बैंत भी निकल जाती है, फंस रही है गाइस, अब तो नहीं निकल रही, इसको मैंने कैप पहना रखी है। कितना सुंदर लग रहा है, आपने वैसे मेरे ये देखा होगा घर में। और देखिए ये चाबी वाबी टांगने का है ऐसे करके, और ये घड़ी तो बहुत पुरानी लेकिन ये मैच होती है। और गाइस ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, तिरुपति बालाजी हैं ये, काफ़ी बड़े हैं। और आपने मेरे इस मतलब जो ये मूर्ति है, आपने मेरे को अंजना मोटिवेशनल की बैकग्राउंड में ज़रूर देखा होगा, आपने जो मेरे अंजना मोटिवेशनल चैनल को जानते हैं, बहुत सुंदर है। और देखिए बारीकी से देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है, जिसने भी बनाई है ना बहुत सुंदर है। और गाइस ये है सरस्वती माता,
और उधर भी सरस्वती माता है। और गाइस ये है राधा कृष्ण और ये भी हम ट्रेड फेयर से लेके आए थे। कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये। और गाइस देखिए कैंडल स्टैंड कितना बड़ा है ये। और ये इस तरह का बॉक्स सा है और इसमें जैसे कि छोटे छोटे ड्रॉर्स बने हुए हैं। वैसे आता तो कुछ भी नहीं है इनमें, बस थोड़ा फैशन का है, बस स्टाइलिश है बस। और ये बच्चों की मेडिकल की बुक पड़ी हुई है। और देखिए गाइस ये स्टैंड है, शोपीस टाइप में है। और एक ये छोटा सा, और इसमें लाइटिंग वाइटिंग लगाती हूँ मैं। और ये स्टूल है, ये तीन का सेट आता है। और इसमें दो रखे हुए हैं, एक छोटे पे कुछ सामान रखा हुआ है और एक ये स्टूल है, इस पे सामान वगैरह रख लेते हैं। फोल्डेड है वैसे ये। और गाइस देखिए ये स्टूल है, बहुत सुंदर स्टूल है। और इस पे ऐसे बॉक्स रखा हुआ है जैसे पुराने ज़माने में होता था। और ये ऐसे करके इसमें सामान रखा हुआ है, छोटा मोटा कंचे वगैरह शो के लिए। गाइस देखिए ये हाथी है, एक इसका इस तरफ मुंह है और एक इस तरफ मुंह है। और इस पे आप बैठ भी सकते हैं जैसे स्टूल टाइप में है, पर बहुत सुंदर लगता है ये। और इसके ऊपर है ये, आपने ये देखा होगा, ये राधा कृष्ण है। और ये भी हम ट्रेड फेयर से लेके आए हैं। और ये है जो प्लेटफॉर्म पे लगी रहती है घड़ी मैच करने के लिए राजस्थानी को लुक। ये छोटी छोटी सी चौकी दो हैं ये। इसे देखिए, ये भी हम ट्रेड फेयर से ही लेके आए थे। और ये ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, ये साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। और देखना ये डक है। और गाइस देखिए स्टैंड है, कैंडल स्टैंड, ये भी राजस्थानी लुक में है। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा है ये। मैं सेंटर टेबल पे रखती हूँ, जो सेंटर टेबल है वो भी इस तरह की कार्विंग में ही है। और गाइस ये डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, जैसे ये डक है और इसके अंदर एक डक और रखी हुई है। और देखो ये किसने पैसे रख दिए, वॉलेट की बैल है। और देखो ये बाहर लगे हुए हैं घर के। और ये है स्विट्जरलैंड की बैल। और एक ऐसे दरबार है, ये भारतीय आंगन में लगा रखा है। और एक ये है, इसको ऐसे हम खोलते हैं ना, बाहर लगा रखा है, तो इसमें आपको मिरर भी दिखाई देगा, क्या आप देख सकते हैं। और एक ये गणेश जी। और तूफान सा आंधी सी आ रही है देखना, बल्कि आज मैं कहीं जाना था, मैं जा नहीं पाई, कितना भार है हो रहा है, आंधी सी तूफान आ रहे हैं। और देखना, और ये वाला बेल पत्थर, बस बेल पत्थर रह गए इस पे, और पत्ते वत्ते सब झड़ गए हैं, आज कुछ झड़वाए हैं और कुछ। और गाइस आपको ये राजस्थानी कलेक्शन कैसा लगा, मतलब ये जो है एक साल का या एक दिन का कलेक्शन नहीं है ये, मतलब लगा लो बहुत सालों का है, 15-20 सालों का है कम से कम ये कलेक्शन। एक एक चीज़ को जोड़ा है और ये मुझे हर चीज़ मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, कुछ मत पूछो, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये सारा कलेक्शन। और मैं यहाँ डाइनिंग टेबल के पास हूँ, देखो ये कभी कुछ आइटम सजा के रखती हूँ, कभी कुछ और अंदर भी रखे हुए हैं, कभी दोबारा दिखा दूँगी, अब इतना ही। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और मैं आपको ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूँगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।